आज सैटरडे के लिए हमारे रडार पर दो स्टॉक्स, दोनों खराब नंबर्स। पहला हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर खराब आएंगे और स्टॉक ऑलरेडी कुछ हद तक शायद ये कह रहा था, लेकिन कल ये डी हाई पर बंद हुआ था तो मुझे लग रहा है कि जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा खराब है। रेवेन्यू में गिरावट है, वॉल्यूम सिर्फ 2% बढ़ा, रेवेन्यू का एस्टिमेट था 15385 करोड़, आया उसके सामने 15188 करोड़, एबिटडा फ्लैट है जबकि मार्जिन में, ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, ओवरऑल मार्जिन 23.3% पर आया, हम 24% एक्सपेक्ट कर रहे थे, नेट नेट नंबर्स खराब है हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक रेट। दूसरा सीएससी, अब सीएससी के साथ दिक्कत क्या है कि नंबर्स खराब हैं इसके, लेकिन कई बार ये स्टॉक जो है ना ये कुछ अलग ही चाल चलता है, ठीक है, तो लेकिन नंबर खराब है, मैं इसके लिए इसको रेड लेके चल रहा हूँ। रेवेन्यू 12% कम हुआ है, मुनाफा 12% कम हुआ है, एबिटडा 30% कम हुआ है, और ये एक ऐसे सेक्टर में जो एक बहुत शानदार चल रहा है एक्चुअली सेक्टर, और स्टॉक देखिए, स्टॉक ने कितनी शानदार रैली दिखाई है, आप पिछले एक महीने का चार्ट देखिए, तीन महीने का चार्ट देखिए, नंबर्स के हिसाब से तो स्टॉक गिरना चाहिए। अब गिरेगा या नहीं गिरेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज वैसे ही समीकरण दूसरे तरीके के होंगे इसके लिए। रखिए दोनों रिजल्ट्स रडार पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सीईएससी। खैर, इनकी डिटेल्ड रिजल्ट रिलेटेड कमेंट्री कुछ ही देर में शो में आगे आपके सामने प्रेजेंट भी कर देंगे। ये हैं आज के बिग स्टॉक्स। अब पैनल को दिखाइए, और पैनल में हमारी जो गाइडिंग लाइट हैं वो है नहीं, गावा सर। गावर सर को पता था कि सैटरडे, ठीक है, अच्छा ये बढ़िया है, कुछ नहीं बोलते, जब लौट के आएंगे तब, जब पीछे बात करने से फायदा नहीं, जब लौटेंगे तब बातचीत होगी। अब वो पूरे हफ्ते असल में छुट्टियां मनाने निकल लिए। बाकी सबका स्वागत है, सबको गुड मॉर्निंग। एक तो आंखों का क्लोजअप नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं पता चलता फ्राइडे किसका कैसा बीता। लेकिन आज के टॉप कॉल से शुरुआत कर रहा हूं। मानस, गुड मॉर्निंग साहब। आज, अरे कल तैयारी तो करी नहीं होगी आज के टॉप कॉल की, कब पता चला कि टॉप कॉल की पढ़ाई शुरू करूं? नहीं, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, तैयारी तो कर ली थी क्योंकि मॉर्निंग सेशन था एक घंटे का, तो ऐसा थोड़ा सा वो मूड तो बना था, तो बहुत ज्यादा स्पॉइल नहीं हुआ मूड, क्योंकि तैयारी थी कि आज आपने काम करना है, बट डेफिनेटली 8:30 पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स थे एक मतलब मार्केट के बाद के, लेकिन वो कैंसिल कर देते। कोई बात नहीं, घर वालों को मनाने के लिए, बीवी को मनाने के लिए आपको 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है, कंपनसेट करते रहना आप। वाला आज का टॉप कॉल कौन सा? तो देखिए, IRCTC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, 3-4 दिनों के करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। कल फ्रेश ब्रेकआउट पे काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो मेरा समझना है कि ये यहाँ पर रैली बिल्कुल कंटिन्यू हो सकती है, और इस बार 1000 का आंकड़ा IRCTC क्रॉस कर सकता है, तो 1020 के टारगेट के लिए IRCTC में खरीदारी करनी है, और 964 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 980 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 28 रुपए की कल की क्लोजिंग थी तो वहां मिले, तो 19 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, और इस ऑप्शन में आप 50 रुपीज के टारगेट सेट करिए।